हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम नए नए स्टॉक लेके आएंगे, आज हम एक नया स्टॉक लेके आए हुए हैं चरखियों का। चरखियों में इसमें कई तरीके की वैरायटी है। वैरायटी के साथ साथ ये सीट होती है, इसकी एमएम मतलब मोटाई और पतला थिकनेस है वो सब होता है। तो मैं पहले आपको बता दूँ सबसे पहला कि इसमें 9 रील, 12 रील, 18 रील, 15 रील, 6 रील ये सब कुछ बनता है, ठीक है। फिलहाल हम जो लेके आए हुए हैं 9 रील है, 12 रील है, और 9 रील में क्या क्वालिटी है, 12 रील में क्या क्वालिटी, ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ 9 रील प्लेट वाली, इसे 9 रील प्लेट बोलते हैं। चलिए आपको खोल के दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि पन्नी में पैक और खोलने में काफ़ी डिफरेंट आ जाता है, उसकी चमक शाइनिंग नहीं देख पाते आप लोग। ये देखिए, ये 9 रील प्लेट है, जिसे हम प्लेट बोलते हैं वो ये है, ये कटी हुई सीट पे प्लेट फिट करी जाती है, इसे 9 रील हम प्लेट बोलते हैं। तो ये 9 रील की चरखी है दोस्तों, और इसकी जो सीट है 10 mm सीट है, बैत की डंडी है, 10 mm सीट है, प्लेट की चरखी है। ये तो हो गई एक, और इसी में हमारे पास है 12 रील प्लेट। मैं आपको 12 रील प्लेट भी दिखा देता हूँ, और ये भी आप समझ लीजिए ये हो गई आपकी 12 रील प्लेट, और ये भी 10 mm फाइबर है, बैत की डंडी, सिल्वर का गट्टा, कंप्लीट फैंसी चरखी है। और ये ऐसा नहीं कि टूट जाए, ये सॉलिड चरखी है, टूटेगी नहीं। मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि कई लोग जो आजकल दे रहे हैं पैसा खर्च करने के बाद भी नुकसान हो जाता है, ये सॉलिड फाइबर है, ज़्यादा चलने वाला, ये नहीं कहूँगा कि नहीं टूटेगा, लेकिन फिर भी काफ़ी चलेगा। ये वही सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप ये हो गया 12 रील, 10 mm में काउंट कर लो, हालांकि ये 10 mm से ज़्यादा है। ट्रांसपेरेंट चरखी है, बैत की ही डंडी है, इसमें जाल का काम कराया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। ये थर्ड आइटम हो गई अपनी। फोर्थ आइटम में आप ये, इसमें नया हमने एक वैरायटी डाली है, ये मशीन से, खराद मशीन से इसे काट के हमने इसे छल्ला बोल लो या रिंग बोल लो, ये इसके अंदर फिट करा गया है। जैसे प्लेट ऑफ फिट होती है, ऐसे ये हमने ऊपर से फिट कराया है, और इसमें जाल भी लगाया हुआ है, बैत की डंडी है, सिल्वर का गट्टा है, 12 mm सीट है। चरखी देखते बनती है एक नज़र में। ये फोर्थ आइटम हो गई। अब आ जाओ आप फिफ्थ आइटम पे। एक ये है, ये 12 mm सीट है, सिल्वर का गट्टा, बैत की डंडी, सेम, और एक नई आइटम है ये, ये देखिए, ये क्या होता है, कंप्यूटर लेजर से काटा जाता है, ये जो आप देख रहे हो ये ऊपर से हमने फिट करा हुआ है, ये कटिंग है, ऊपर का बेस जो है वाइट से है, और इसकी जो कटिंग लगी है हमने ब्लैक से लगाई है, ये आप देख ही रहे होंगे दोनों साइड। ये अपनी हो गई फिफ्थ आइटम। अब एक नई आइटम मैं आपको दिखा रहा हूँ 9 रील पे। आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ब्लैक सीट पे जाल एंड जर्कन, ये भी 10 mm सीट है, बैत की ही डंडी है, चरखी भी, जब आप इसे घुमाएंगे तो आप ये देखिए थोड़ा अलग लुक आता है इसका, चमक अलग है, देखते बनती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई 6। अब आप सातवीं आइटम पे आ जाइए। ये 9 रील लेजर प्रिंट, ये लेजर प्रिंट की आइटम है 9 रील पे। ये थोड़ा सा महंगा प्रिंट होता है, ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ 9 रील पे, 10 mm, ये देखिए लेजर प्रिंट, ये जो प्रिंट इस पे बना हुआ है, इस पे काफी प्रिंट है हमारे पास, चैप का ले लो, सेल्फ का ले लो, कुछ भी जो आपको समझ में आया, जो भी आप डिजाइन हमें देंगे हम उसको लेजर से प्रिंट करके इस पे उतार देंगे, वो आपको मिल जाएगा। कुछ भी चाहिए हो जो आपको समझ में आए, जो आपके पास डिजाइनिंग हो, वो आप देंगे हमें, हम उसको लेजर से उतार के कर देंगे।
इसे बोलते हैं लेजर प्रिंट। ठीक है दोस्तों, एक आइटम ये होगा। फिर आप आ जाओ, ये 12 रील है, ये 3D लेजर प्रिंट है। 3D के साथ साथ इसमें तीन काम करे हुए हैं, 10 mm सीट है वो तो आप देख ही रहे हैं, 1, 2 जाल, 3rd ये जो जरकन का डिजाइन बनाया हुआ, इसमें तीन काम करे हुए हैं, देखते ही बन रहा है और इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। बैत की डंडी है सेम इसके अंदर, वही सिल्वर गट्टा और चरखी भी देखने में, अगर आप लेंगे वो तो आप चलाएंगे आपको पता लग जाएगा क्या आइटम है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भी नॉरील में है, देखिए 3D प्रिंट का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे आप प्रिंट देंगे, जैसे मैंने नए अलग अलग प्रिंट बना रखे हैं, ये हमने ताजमहल बना रखा हुआ है, देखिए ये सेकंड पे हमने वॉच का डिजाइन बना रखा है, ये भी देखिए। तो मेरा कहने का मतलब, आप कोई भी डिजाइन देंगे हम इस पर अपना डिजाइन बनाकर आपको दे सकते हैं, जिसमें आप हमें कोई भी डिजाइन दें हम आपको दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, क्योंकि सारा कंप्यूटराइज काम है। बैत की डंडी है सेम सेम, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको हर चीज़ दिखी है बैत का काम हो रहा है। एक आइटम और है जो मेरी अभी लगी हुई है काम पर, मैं आपको उसके डिजाइन के बारे में बता देता हूँ। सपोज जैसे कि यह रिंग वाला आइटम है, हम पे वो होता है तैयार, फिलहाल नहीं है, ऑर्डर पे लगा हुआ है हमारा वो वाला भी माल। इसके अंदर जैसे आप बैत की डंडी देख रहे हैं, इसके अंदर एल्यूमिनियम की डंडी ऐड हो सकती है और ऐड होती भी है, डिपेंड करता है कस्टमर हमसे क्या डिमांड करता है। अगर कस्टमर जो भी हमसे डिमांड करता है हम उसके हिसाब से बनवाते हैं। सपोज जैसे कि ये काम है, आप बैत की डंडी ना मांग करके मेरे से कहें भाई एल्यूमिनियम की डंडी चाहिए, मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बट उसके 200 रुपये चार्ज एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी हमारे पे आज आइटम थी वो मैंने आपको दिखाई, जैसा भी आपको लगे वैसे ही आप कमेंट्स करें, लाइक करें और डिस्क्रिप्शन में जाके आप मुझे बताएं, और आपने यूट्यूब पे मेरा फ्लाई हाई वाला देख ही रखा उसमें आप मेरे को बताएं, नहीं तो व्हाट्सएप पे बताएं, और बाकी मैं कोई न्यू वीडियो आती है तो फिर आपको अपलोड करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक्स।